झूठ बोलकर उसको लखनऊ ले गया है, वहां ले जाकर उसको बेच देगा। हेलो मैडम, आपका काम हो गया। सॉरी मैम, आप यहीं पे रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकती। बुरा सपना देखा आपने? इतनी रात हो गई, सागर का फोन ही नहीं है। उसे बात करिए। बुआ जी आप घबराइए मत। दीदी ने कहा था ना, सिग्नल खराब है, दद्दा ने इसीलिए फोन नहीं किया हो। नहीं नहीं चिनू, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। सागर किसी मुसीबत में है चिनू, हमें उससे बात करनी है। अभी बेटा फोन लगाओ। ठीक है बुआ जी, मैं अभी फोन ट्राई करती हूँ।
छोटे ठाकुर का फोन नहीं लग रहा। देखा देखा, हम कह रहे थे ना सागर किसी मुसीबत में है। सागर बुआ जी आप घबराइए मत, दादा थोड़ी ना पहली बार अकेले गए हैं, विदेश में भी तो वो अकेले रहते थे ना, है ना, और इस बार तो उनके साथ भाभी भी है, और फिर बुआ जी दत्ता शंभुनाथ जी की भूमि पर है, उन्हें कुछ भी नहीं हो सकता। वो सब ठीक है जिनू, लेकिन लेकिन हमारी बेचैनी बढ़ती जा रही है, हमें ऐसा लग रहा है जैसे सागर सागर हमसे दूर जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा मुझे, ऐसा कुछ जिनू जिनू घबराइए मत, कुछ नहीं होगा उन्हें, हम कह रहे हैं ना हमारा पूरा विश्वास है, कुछ नहीं होगा, आप आराम कीजिए। माँ का एहसास कभी गलत नहीं होता। हाँ छोटी माँ, सागर हम सबसे दूर जा रहा है, इतनी दूर कि फिर कभी लौट कर नहीं आएगा, कभी नहीं। Oh my God, he is sinking fast. हेलो, बेटिया इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम माँ बनने वाली हो, तो मैं सागर की जान बख्श दूंगी। अब मैं पहले तुम्हें जहर देकर तुम्हारे बच्चे को मारूंगी और फिर तुम्हारे सागर को। सिंदूरा वो ताकत है जिससे किस्मत भी नहीं लड़ सकती, सिंदूरा वो आग है जिसने तुम्हारे सारे सपने जलाकर राख कर दिए। मैं वही औरत हूँ जिसने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। मैं बोल रही हूँ। जी कहिए मैडम। सागर मर गया ना? हाँ मैडम, बचने का कोई चांस नहीं है, बहुत मारा हमने उसे और पानी में फेंक दिया। तुमने तुमने उसकी लाश देखी? हाँ हाँ, जब भी लोग उसे पानी से बाहर निकाल रहे थे तो लोग यही कह रहे थे कि उसके बॉडी में जान नहीं है। लोग क्या कह रहे थे ये मुझे मत बताओ, मुझे ये बताओ कि तुमने खुद अपने हाथों से उसे छूकर देखा? नहीं देखा ना? जी नहीं मैडम। तो जाओ अभी इसी वक्त हॉस्पिटल जाओ और जाकर पता करो कि सागर जिंदा है या मर गया, और अगर जिंदा है तो किस हाल में है, मुझे सब कुछ जानना है समझे, जाकर पता करो कि विद्या कहाँ है और क्या कर रही है, अभी जाओ।
जी मैडम ठीक है। ये कहां से आ गई? कहीं इन्होंने मेरी बात सुन तो नहीं ली? छोटी माँ, आप यहां आप अब तक सोई नहीं? सिंदूरा, हमें बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। सागर को लेकर बहुत चिंता हो रही है हमें। अरे हाँ, तुम भी तो अभी सागर और विद्या के बारे में ही बात कर रही थी ना किसी से? कुछ पता चला? वो छोटी माँ, मैंने कहा है कुछ लोगों को कि वो सागर का ध्यान रखे, पता करे कि वो कहाँ है। अब तक कुछ पता नहीं चला है, लेकिन जैसे ही कोई खबर मिलती है मैं बताऊंगी आपको। आप जाकर आराम कीजिए। पता नहीं, हमारे मन की घबराहट तो कमी नहीं हो रही है। चलो, हम कोशिश करते हैं सोने की। पर बेटा, जैसे ही उनके बारे में कुछ पता चले हमें फौरन बताना। हाँ हाँ छोटी, कुछ पता चलेगा तो सबसे पहले आप ही को बताऊंगी। आपको ठीक होना पड़ेगा हमारे लिए। त्रिभुरा जी कुछ नहीं होने देंगे आपको। प्लीज मॉनिटर करना। हाँ यस सर, मैं सदा। कैसे ये? सर पर काफी गहरी चोट। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ। मिल गई शांति आपको। पूरी जिंदगी हमने सिर्फ आपकी भक्ति करने में बिताई, खुद को भुलाकर हमने सिर्फ आपकी भक्ति की। आज तक क्या मांगा? सिर्फ अपने पति को। हमने इस हाल में हमारे पति को दिया, इस हाल में ये फल मिलना था आज हमें हमारी भक्ति का। हमने आपसे कहा था कि हमें हमारे पति से मिलवाएंगे किसी गंगा के तट पर। ऐसे ऐसे दिखाया आपने। लाज नहीं आती आपको अपने भक्तों के साथ ऐसे करते हुए? लाज नहीं आती आपका? आपकी भक्ति की है, उस भक्ति के हम सौगंध खाते हैं आज। अगर हमारे पति को कुछ भी हुआ, हम कह रहे हैं अगर उन्हें कुछ भी हुआ, तो हम कसम खाते शंभुराज जी आपकी पूजा बंद कर देंगे हम हमेशा के लिए। आगे से हमारे आंगन में आपका दिया नहीं जलेगा। इस भक्त को भूल जाइएगा, आगे से आपकी भक्ति नहीं करेंगे हम। अगर कुछ भी हुआ तो समझे आप, आदि
भीख मांगते पति की रक्षा कीजिए। आपके सिवा हमारा कोई भी नहीं है, हमें किसी बात की सजा ऐसे तो बन दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए हमें, और कोई नहीं हमारा, हमारे पति को लौटा दीजिए। काम हो गया सिंदूरा जी, अब सागर नहीं बचेगा। दी जो दवाई आप मुझे पिलाते हैं ना रोज, बहुत कड़वी है, लेकिन जो विद्या ने मुझे आज पिलाई बहुत मीठी है। सागर वही करेगा जो इसकी बहन करेगी। हमारे ही परिवार का कोई सदस्य है जो इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था। कौन है वो जो मुझसे इतनी नफरत करता है, जो मेरी जान लेना चाहता है? सिंदूरा दीदी, हर बात पकड़े जाने पर तुमने पूरा इल्जाम हमेशा भी भगवान से मानती पर लगाया। इस घर में जो भी हुआ उस सब की असली जिम्मेदार सिंदूरा। सारी साजिशों के पीछे मेरा नहीं सिंदूरा का हाथ है। वो दूसरा शख्स जो मेरे शक के दायरे में है वो है मिसेस सिंदूरा सिंह। ये सारा किया कराया तुम्हारा है सिंदूरा जी। हमारे ही परिवार का कोई सदस्य है जो इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था। इस घर में जो भी हुआ उस सब की असली जिम्मेदार। काम हो गया सिंदूरा जी, ये सागर नहीं बचेगा। किया कराया तुम्हारा है सिंदूरा जी। सागर नहीं बचेगा। साजिशों के पीछे मेरा नहीं सिंदूरा का हाथ है। इस घर में जो भी हुआ उस सब की असली जिम्मेदार जो इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था। मेरा नहीं सिंदूरा का हाथ है। सिंदूरा दीदी, सिंदूरा का हाथ है। सिंदूरा दीदी, जल्दी से इंजेक्शन तैयार करो। अभी क्रिटिकल है लेकिन स्टेबल है। डॉक्टर साहब क्या हुआ इन्हें? आप घबराइए मत, इससे बड़ा चमत्कार तो मैंने आज तक नहीं देखा।
जिस आदमी की नब्ज तक रुक गई हो, सांस थम गई हो, दिल की धड़कन रुक गई हो, वो फिर से जिंदा हो जाए, ये तो करिश्मा ही है। इसे कहते हैं दुआओं का असर। भगवान ने आपकी विनती सुन ली मिसेस सिंह, आपके पति को लौटा दिया आपको। कांग्रेचुलेशन। हमें से थोड़ा वक्त लगेगा पर हमें यकीन है ये जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ, जब इन्हें होश आया था तो सबसे पहला लफ्ज उन्होंने कहा था मालूम है क्या, विद्या सॉरी। धन्यवाद।